मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में प्ले ग्राउंड यानी कि खेल के मैदान को लेकर लोग काफ़ी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बच्चों को खेलने के लिए खेल का मैदान क्यों नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में विधायक जितेंद्र आव्हाड ने जो है स्टेडियम के पीछे ही प्ले ग्राउंड देने की बात की है और आज खुद जितेंद्र आव्हाड जो है वहाँ उस प्ले ग्राउंड पर पहुँचे और मीडिया से बातचीत की कि ये जो प्ले ग्राउंड है ये यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए दिया जा रहा है जिसमें बच्चे आराम से खेल सकें। ये मैदान बहुत पुराना है। ओके। गोसावी साहब और मैंने भरनी करके ये मैदान तैयार करके रखा था यहाँ पे पिछले 5-6 साल से। ओके। लड़कियाँ फुटबॉल खेलती हैं, परचम नाम की जो संस्था है वो उनको हमने ये दे रखा था। हमने ज़्यादा किससे बात नहीं की क्योंकि लड़कियाँ अच्छा फुटबॉल खेल के कुछ लड़कियाँ राष्ट्रीय स्तर तक गई। एक लड़की रशीद कंपाउंड में रहती है, एक लड़की सिद्धिनगर रहती है, कोच है वो, तो ऐसा अच्छा काम यहाँ होता था। मैं अगर किसी को बता देता तभी तो अभी तक तो घेराव डाल के यहाँ पर बिल्डिंग भी खड़ी कर दी। तो मुझे वो नहीं करवाना था, तो मुझे नहीं करवाना था, इसलिए मैं शिक्षा रखा था। अभी जब मित्तल का खेलने का जगह ही ख़त्म हो गया तो बच्चों के लिए कुछ पर्याय देना ही था। तो यहाँ के क्रिकेट प्रेमी जो शेठ लोग हैं वो शेठ लोगों ने कहा कि हम लोग ये सब संभाल लेंगे, मिट्टी डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने ये जगह हवाले कर दिए। ये जगह किसकी है, क्या है, इसके अंदरूनी में मत जाओ, ये जगह किसी के बाप के लिए इतना हो सकता है। मतलब यहाँ पे ऑफिशियल क्रिकेट प्रैक्टिस का मैदान बने, ऑफिशियल अनऑफिशियल ऐसा नहीं होता है। Okay. यहाँ पे क्रिकेट आप आगे के 20-25 साल खेल सकते। थैंक यू।